बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, इतना बिजी स्केड्यूल हो जाता है कि टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता है। सो आज का जो व्लॉग है वो है स्टूडेंट बिरयानी, और ऐसे ही हम लोगों ने कुछ दिन पहले सोचा कि चलो स्टूडेंट बिरयानी को ट्राई करते हैं, बिकॉज़ कराची में तो इसकी ब्रांच है और कराची में खाया हुआ भी है। बहुत फेमस है स्टूडेंट बिरयानी, और बहुत बहुत साल पुराना है ये, बहुत अच्छी इसकी टेस्टी बिरयानी होती है। तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ की इधर की बिरयानी खाई, और बहुत जो है ना अच्छा इसका खाना, टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। साथ में हम गए थे, फिर उसके बाद केयरफॉल गए थे, और वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो उसका भी रिव्यू होगा साथ में, उन जो हमने प्रोडक्ट्स वहाँ से ली हैं। रूहान ने भी बहुत एंजॉय किया। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, शेयर ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, जहाँ हो सकता है शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें। ये इनके टू फ्लोर्स बने हुए थे, एक ग्राउंड था और एक ऊपर इन्होंने डाइनिंग दिया हुआ था। पूरा अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त इनकी अरेंजमेंट हुई हुई थी, और ये ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी थी इनकी, और नीचे भी सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी। ऊपर ज़्यादा कम्फर्टेबल सी फील होता था, ऊपर अच्छे से जो है ना फैमिली हॉल बना हुआ था एक तरह से, तो हम लोग आ गए थे। और साथ में नीचे भी जो है इनका अच्छा सा फैमिली हॉल बना हुआ है, लेकिन नीचे ज़्यादातर बैचलर्स और उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, फैमिली वालों के लिए ऊपर वाला फ्लोर ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो अच्छा, इंटीरियर भी इनका बहुत प्यारा था, और सर्विस भी बहुत अच्छी थी इनकी। और ये हमने ऑर्डर किया था चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी, और चरखा ऑर्डर किया था, तो हाफ चरखा हमने ऑर्डर किया था, और ये बहुत बहुत टेस्टी था, ज़बरदस्त बना हुआ था। चिकन बिरयानी खूब मसाले वाली स्पाइसी बनी हुई थी। वैसे अगर आप उनसे कहेंगे कि नॉर्मल टेस्ट पर रखना, स्पाइसी नहीं रखना, तो वो उस हिसाब से भी रखेंगे, लेकिन हमने बहुत स्पाइसी बोला था, उन्होंने बहुत स्पाइसी करके दिया था, बहुत ज़बरदस्त था। रायता, चटनी, ऑल ओवर एवरी थिंग वॉज गुड, टेस्टी एंड डिलीशियस। ज़रूर स्टूडेंट बिरयानी को ट्राई करें, यू विल लाइक इट इंशाल्लाह। अंकल कह रहे हैं अभी कैंडी नहीं, पहले आपने खाना फिनिश किया है।
फिर हम लोग निकले थे केयर फॉर अजमान सिटी सेंटर, और यहाँ पर हमें कुछ क्रॉसरी की कुछ चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पर बेस्ट पार्ट जो अभी न्यूली हुआ है, एडिशन हुआ है, वो ये कि उन्होंने एक स्मॉल एरिया बाउंड कर दिया किड्स के लिए, जहाँ पेरेंट्स अपनी ग्रॉसरी के लिए जाएँ और बच्चों को यहाँ पर छोड़कर चले जाएँ। यहाँ पर इन्होंने टेडी बियर्स और कुछ टॉयज स्टफ़ टॉयज टेबल चेयर्स कलरिंग बुक्स कलर्स ये सब इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई फैसिलिटी, बच्चे अपना इंजॉय कर सकते हैं माशाल्लाह से। What are you doing, Rohan? Fighting? Oh my God! Heavy? Oh my God! Heavy? Oh! Huh? Wow! What is this, Rohan? And what is? Oh, be careful! Be careful! Okay. Okay, very good. Rohan, colorings. Colorings, yes. No, don't touch this. Don't touch this, okay? Rohan, see? It's flamingo. Yes. Where is it? Wow, teddy bear. Rohan, just pick this teddy bear. Rohan. And look at you. You all have to tell one by this name. First, Rohan, what's her name? Rohan, what's your name? Rohan. Bye to them. Bye. Okay, let's go. Let's go. Rohan, say bye to your friends. और फिर वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी प्रमोशन लगी हुई थी काजू के ऊपर, और ये काफ़ी न्यू से काजू लग रहे थे और रोस्टेड भी थे। ये वियतनाम के काजू थे और आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बिग सा साइज़ है ये। और वैसे नॉर्मली जो काजू मिलते हैं वो तो हमने खाए थे, लेकिन ये मुझे बड़े डिफरेंट से लगे थे। ये देखें इसका आप साइज़ अगर आप नोट करें, ये काफ़ी एक्सल सा साइज़ है इसका। और छिलकों के साथ ये काजू थे ये रोस्टेड वैसे ना, लेकिन बहुत टेस्टी है। इसको टेस्ट करें, ये बड़ा अच्छे से मज़ेदार से हैं। और आई थिंक ये बॉक्स लिया था शायद 14 dirham का, आई थिंक सो ये बॉक्स लिया था, बड़ा सस्ता सा था, इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं था। 14th या 12th dirham का लिया था, और मुझे एक्चुअली और प्राइस भूल गई, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत अच्छा था प्रोडक्ट। ये वियतनाम की है और साथ में टेस्ट भी अच्छा है, रोस्टेड काजू है, साइज़ भी बहुत अच्छा बिग साइज़ है। मतलब ये कि अगर आप इसको जैसे प्रोटीन डाइट हम लेते हैं, और अगर हम इसको सिर्फ 2 to 3 काजू भी खाएं तो वो भी काफ़ी इनफ है ना, जो डाइट कॉन्शियस है। तो बाकी ये एक हमने लिया था, फिर साथ में लिया था नेचुरल का ये क्रश्ड पिकल, जो कि अभी न्यूली आया है, और ये बहुत ज़बरदस्त अचार है, बहुत मज़े का है। आप ये देखें, इसमें एक तो सबसे अच्छी बात है इसमें कोई भी गुठली नहीं है, और सारी चीज़ें मतलब गाजर कैरी और लहसुन मिर्चे सब इसमें जो है ना चॉप्ड हुई हुई है, फाइनली चॉप्ड होकर इसमें डाली गई। तो ये नेशनल का मिक्स्ड क्रश्ड अचार ज़रूर ट्राई करें, ये इतना टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मुझे शान के मैंने इतने सारे खाए हुए हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट। अब मेरे पास अचार की बहुत सारी कलेक्शन है, और लेमन का अलग है, कैरी का है, और ये वाला भी अब हो गया माशाल्लाह से, मिर्चों का भी अलग से है, तो लेकिन ये सबसे बेस्ट है, इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा है ये। और ये हार्डली आई थिंक 9 या 8 dirham का मिल गया था हमें, तो नेशनल का ये क्रश्ड मिक्स अचार ज़रूर इस पिकल को ज़रूर आप लोग ट्राई करेंगे, डेफिनेटली ये बहुत ज़बरदस्त है, दाल चावल के साथ खाएँगे सब। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं रूहान जो है माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रहे हैं, कभी कभी ये पढ़ लेते हैं वैसे मैं इनको बोलती रहती हूँ कि पढ़ें, इनको इनके लिए मैंने जानेमाज भी ली हुई है, टोपी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब बच्चों को नेक हिदायत दें।
नेक हिदायत दे और फर्मा बरदार बनाए, आमीन सुमा आमीन। दुआ आमीन। अल्लाहू आमीन। अब अल्लाहू पढ़ते रहें तस्बीह को। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह।